Hi everyone, I'm Tejasvi. I'm a pastry chef and a chocolate maker, but you can also call me your friendly baker next door. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं केक बनाना है घर पे, लेकिन थोड़ा सा डर जाता है. और ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कुछ केक की रेसिपीज हमें थोड़ी इंटरमीडिएटिंग लगती हैं. इसी के मेरे पास में आज आप लोगों के लिए परफेक्ट केक की रेसिपी है, जिसको बना के आपको लगेगा कि सच में आपने मेहनत करी है या नहीं. And you know the best part about this? This cake is so versatile, you can add any flavor of your choice in it. How? I'm your tip. So today I'm going to show you all how to make a never fail cake, which I have also made in my show The Baker's Table only on Zzest. So let's get started. The first thing that we need to do is, देखिए अधिकतर केक्स में जब आप बनाते हैं उसमें एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रीमिंग मेथड. So, creaming method के help से हम ये केक बनाएंगे. And what is creaming method? Basically, butter जो कि room temperature है या soft है, उसको हमें cream करना है caster sugar के साथ. तो इसके अंदर मैंने लिया है 300 grams of unsalted butter जो कि soft है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 300 grams of caster sugar. अब इस केक की एक और खासियत है, और वो है कि सारे इंग्रेडिएंट्स में इक्वल क्वांटिटी में मेजर होके जाते हैं. और लेट्स से कि आपके पास में कोई वेइंग स्केल नहीं है, मेजरिंग कप्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप इसको अपने टी कप के साथ में भी मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 कप ऑफ बटर, 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ फ्लावर, और 2 कप्स ऑफ शुगर, 2 कप्स ऑफ बटर एंड 2 कप्स ऑफ फ्लावर. जस्ट लाइक दिस, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए केक का आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम मेजरमेंट्स. जस्ट बाय डूइंग दिस यू कैन कीप ऑन एडजस्टिंग द रेसिपी, और इसको आप अपने तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. तो कमिंग बैक टू क्रीमिंग द बटर एंड शुगर, अगर आपके पास में स्टैंड मिक्सर है, किचन एड है, अगर आपके पास में स्टैंड मिक्सर है या कोई हैंड मीटर है, आप उसके हेल्प से भी इसको कर सकते हैं. मैं इसको एक विस्क के साथ में कर रही हूँ. तो अगर बटर सॉफ्ट होगा, क्रीम करने में बहुत आसानी रहेगी. आई एम नॉट सेइंग मेल्टेड बटर, आई एम सेइंग सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर. तो हमारा बटर और शुगर क्रीम हो गया है. इसके अंदर हम डालेंगे एग्स. बट एग्स आप वन एट अ टाइम ही डालिएगा. अगर सारे एग्स आपने एक साथ मिक्स कर दिए तो आपका बैटर कर्ल हो जाएगा. सो इस केक के अंदर मैंने डाले हैं 4 eggs. सो दिस इज एग नंबर 2 गोइंग इन. देयर यू गो. अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी इक्वल क्वांटिटीज, 300 grams of butter, 300 grams of sugar, which means 300 grams of flour, which is maida जो हम सब use करते हैं अपने घर में. तो इसके अंदर जा रहा है 300 grams of flour, refined flour, and 1.5 teaspoons of baking powder. बस अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे. ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बैटर अच्छे से ड्रॉप नहीं होता है फ्रॉम द विस्क और द स्पैचुला, दैट मींस कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी अपनी क्वांटिटी. That means that you have to adjust the quantity a little bit by adding about a teaspoon or 2 teaspoons of milk in it. But मेरे को पर मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स द परफेक्ट केक बैटर टू मेक अ केक फॉर योर बर्थडे और इवन अ ग्रेट टी केक. तो काफी वर्सेटाइल है ये स्पंज केक. अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर एट दिस पॉइंट थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको एक वनीला केक बना सकते हैं. बट On the baker's table, जो कि Zzest पे आने वाला है, we always do something different, something with a little bit of a twist. So instead of making a plain Jane vanilla cake today, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं इसको flavor करती हूँ with my favorite citrus fruits. I love citrus fruits and especially
orange and lemon are my favorite. अब the baker's table पे आप देखेंगे कि मैंने दो sponges बनाए हैं. एक में मैंने lemon zest डाला है और एक में मैंने orange zest डाला है. क्योंकि orange और lemon का जो zest है, which means जो rind होता है, उसमें इतना ज़्यादा flavour होता है, I think it's so underrated. लोग अधिकतर juice डालकर तो लगता है कि juice से flavour आता है, but जो aroma और scent zest से आती है, I'm telling you किसी चीज़ से नहीं आती. So now, what we're going to do is, instead of making two sponges, one with lemon and one with orange, I'm thinking why not add the zest of both these foods into the batter and try the cake. I think it's going to taste quite delicious. So instead of making two batters, one with lemon and one with orange, I'll make a lemon and orange cake. Ek zester, grater, leje, and then start zesting out your oranges. सारा zest grater के पीछे से आप निकाल लीजिए. Now lemon. हमारे हिंदुस्तानी नींबू में जितना फ्लेवर होता है, बाहर जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, जब मैं लंदन में पढ़ती थी या पेरिस में पढ़ती थी, इतने बड़े बड़े नींबू मिलते थे, इतने बड़े बड़े लेमन मिलते थे और उनको देख के लगता था कि माय गॉड क्या फ्लेवर होने वाला है. एक या दो बार इसको टैप करने से जितने भी एयर पॉकेट्स होते हैं वो चले जाते हैं. सो जस्ट डू इट वंस और ट्वाइस एंड देन वी आर रेडी टू बेक दीस एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स. तो हमारे दोनों केक्स अब बेक हो चुके हैं, बेक होके कूल भी हो गए हैं. इट्स नाउ टाइम टू डेकोरेट देम. तो डेकोरेशन के लिए मैं द क्लासिक व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ. Who doesn't love jam? अब आपको जो भी जैम पसंद है आप उसको डाल सकते हैं. मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी, सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड ऐड सम स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप. And some pixie dust. And there you go. A beautiful, simple, delicious, never fail sponge cake, जिसको हमने flavour किया है with lemon, orange, strawberries and a willowy soft whipped cream.